ये आंटी बेसिकली इन्होंने ना अबॉर्शन के लिए अप्लाई किया था जी, बच्चा गिराने के लिए। आपने क्या कह रही है? अभी क्लिनिक में नहीं आई। क्या बकवास है, क्या है ये? मैंने इसको बोल रही हूँ आंटी, आप हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मैं आपको कैसे बोलूँ? आप झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा आंटी, आंटी मेरी बात तो सही। आंटी वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसे कि मेरा हुलिया देख के आपको पता चल गया होगा, आज मैं बनी हूँ फेक डॉक्टर और हम करने वाले एक माँ और बेटी के साथ प्रैंक। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखें क्योंकि रिएक्शन बहुत मजे के आने वाले। तो मैं चलती हूँ वीडियो की तरफ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे वो पहले भी कुछ नहीं हुआ था। नहीं, वो आप उस दिन हमारे हॉस्पिटल आई थी ना, तो तब आप उस दिन हॉस्पिटल आई थी ना मेडिसिन के लिए, रिपोर्ट के लिए। तो किसी हॉस्पिटल नहीं गई। अरे आप परसों आई थी ना, तो ये आपका रिपोर्ट्स हैं और ये आपकी मेडिसिन है, ठीक है? ये दो ये मेडिसिन ये बेसिकली ना परसों आई थी ना टेस्ट करवाने के लिए हमारे हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर ही गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, गायनी हॉस्पिटल है हम लोगों का, बहुत मशहूर है वहाँ पर। आपने गायनी हॉस्पिटल का तो सुना ही होगा ना आंटी? इसकी क्यों तबीयत खराब होनी है? ये नहीं, मैं तो गई भी नहीं हूँ आपके हॉस्पिटल, आप कैसी बातें? नहीं नहीं आंटी, तबीयत बेसिकली इनकी ख़राब नहीं थी। बेसिकली मैंने तो इनको बहुत मना किया था कि आप ये ना करवाएं ना करवाएं, लेकिन वो कह रही थी कि अभी मैं चाहती नहीं। क्या करवाया है आंटी? ये परसों हम लोगों की क्लिनिक आई थी, मैंने इनको काफ़ी मना। मुझे बताया तो सही, आप कब से बोली जा रही है मेडिसिन मेडिसिन चेंज है, मुझे बताया तो सही। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं? नहीं मुझे पता चले ना, आप रिपोर्ट लेके, मैं पता नहीं क्या बातें कर रही है, रिपोर्ट लेके आई हो मुझे कह रही है। अरे आंटी ये हमारे क्लिनिक आई थी, मेरा यहाँ पर बहुत ही मशहूर गायनी क्लिनिक है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो आपको कैसे पता हम इधर हैं? अरे इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी रिपोर्ट्स लेकर आप यहाँ पर आ जाइएगा। मैंने कब बोला है? मैंने ये आंटी बेसिकली इन्होंने ना अबॉर्शन के लिए अप्लाई किया था जी, बच्चा गिराने के लिए। आपने क्या कह रही है? हाँ, तो ये आपकी रिपोर्ट्स हैं और ये मेडिसिन में लेकर आई हूँ, सुबह शाम खानी है। रिपोर्ट मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ वहाँ पे, मैंने हॉस्पिटल देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? आंटी आपको पता नहीं यहाँ पे जो करीब हो जो गायनेकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है वहाँ से मैं आई हूँ। क्या क्या बकवास है ये? मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला। आंटी ये देखें, ये देखें, ये इन्हीं की रिपोर्ट्स हैं। आपका नाम सानिया नहीं है? नहीं। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आयशा है। आप क्या बातें कर रही हैं? अरे आप झूठ बोल रही हैं। आपने अपना मैंने कहा है कि मैं आपके नहीं गई हूँ क्लिनिक, तो आप कैसे क्या कह रही हो? मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, झूठ बोल। अरे आंटी ये अपने हस्बैंड के साथ आई थी और इनको, हाँ अपने हस्बैंड के साथ आई। मैं किसके साथ जा सकती हूँ? अरे आंटी ये 2000 रुपए की दवाई थी, 2 सुबह आपने खानी है, 2 शाम, 3 दिन में बच्चा गिर जाएगा। ये आंटी कैसी बातें कर रही है? अनमैरिड है आप? मैं गई नहीं हूँ, मैं आपसे आपको तब से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं गई हूँ। आंटी ये कैसी बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं करी, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या हो गया? एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं पागल हूँ? इतना बड़ा क्लिनिक है मेरा, तो मैं क्या करूँ? मैं झूठ बोली जा रही हूँ, बात बात पे झूठ बोल रही हूँ। मैं इनके क्लिनिक गई नहीं हूँ, तो मुझे कैसे कह सकती है? घर से कभी बाहर ही नहीं निकली है, किसी और की। आंटी आप, मैं झूठ बोलूँगी, इनकी शक्ल मुझे याद है। आप इनकी, आप मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ये काफी टाइम से अपने हस्बैंड के साथ हमारे पास आ रही थी। ये देखें, इनका नाम लिखा हुआ है, बच्चा गिराने की पूरी रिपोर्ट है। आंटी मेरी क्या कह रही है? मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। पहले ही आई, इन्होंने अपना चेकअप करवाया जब इनको पता लग गया कि ये प्रेग्नेंट है, फिर उसके 2 दिन बाद ये अपने शौहर के साथ आई है और इन्होंने कहा कि मैं बच्चा मीडिया, मैं तो कभी गई भी नहीं है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपने खुद ही तो बोला। आप झूठ बोल रही है, मैं डॉक्टर होकर मैं ये हरकत करूँगी? तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? आई आप ही की रिपोर्ट। आंटी देखो मैं कह रही हूँ इसको बार बार कि मैं नहीं गई हूँ। तो ये देखिए इन्होंने 2000 रुपए की मेडिसिन ली थी, मैं 2 मेडिसिन लेकर आई हूँ, ये रिपोर्ट है। कब की बात है? ये परसों आई थी। परसों तो ये अपने दोस्तों के साथ ही, मैं कैसे आ सकती हूं? तो इसने कहा दोस्तों के साथ है। ये आपको दोस्तों को कहकर निकले होंगे, लेकिन ये हमारे क्लिनिक विजिट के लिए आई थी। नहीं मैं आपके क्लिनिक में नहीं आई। क्या बकवास है, क्या है ये? मैंने इसको बोल रही हूं। आंटी आप, आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरे क्लिनिक में सीसीटीवी फुटेज है, आप आकर देख सकती हैं। मम्मा मैं नहीं गई हूँ। आपने कैसी बकवास कर रही है? देखिए आप मुझे इस तरह से नहीं कह सकती। लेकिन मैं गई नहीं हूँ, फिर जब मैं गई नहीं हूँ एक चीज मैंने करवाई नहीं, तो ये फिर बार बार क्यों मेरे सामने? आंटी जब ये मेरे पास आई मैंने उनको कहा था कि अल्लाह ताला की रहमत है, आप क्यों इस बच्चे को गिरा रही है, इसको दुनिया में आने दे। इन्होंने कहा नहीं मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं। ऐसी बातें कर रही है, मैं क्या फिर रही है? मैंने क्या किया है? क्या किया आंटी? आंटी आपके ये फैमिली, मेरे यहाँ पे पेशेंट बैठे हुए, मैंने कितनी सारी डिलीवरीज करनी है जाके। अब क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप वो कह रही है अभी तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हारी करतूतें बता रही है। आंटी ये देखें, आपको क्या लगता है मैं हमने नहीं कर रहा कुछ भी? आंटी कैसी बातें कर रही है? मैं तो पैसे देने, मम्मा देखे तो सही झूठ बोल रही है, आप यकीन ही नहीं कर रही है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी जुड़त कैसे हुई है? आंटी मेरी बात सुने, मेरे पेशेंट, तुम्हारे बाप का तुम्हें पता है? मैं क्या जवाब दूंगी इसको? झूठ बोलिए, मैंने कुछ भी नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं एक डॉक्टर हूँ आंटी, मैं एक डॉक्टर होकर झूठ बोलूंगी? तुम डॉक्टर हो के इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं आंटी, मैं मेरे पेशेंट वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई आम बोल रही है, मैं कहती हूँ आपको, तो वो तुम्हारी दुश्मन है कोई? हाँ, मैं लड़की हो के झूठ क्यों बोलूंगी आंटी? मैं तो इनके हॉस्पिटल में कभी गई। तुम जो अभी बात है ना, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो क्या किया है? मैंने किया ही नहीं आंटी, ये परसों के साथ किया है। मैंने नहीं किया कुछ, मैं कह परसों ये मेरे पास आई थी, परसों 2 सुबह 2 शाम 4 दिन में बच्चा गायब, मैंने इनको दी थी। क्या बकवास कर रही हो आंटी? मैंने 100 बच्चे पैदा किए, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं इनके हॉस्पिटल कभी गई ना, मैंने तो देखा भी इनको फर्स्ट टाइम है। आंटी ये झूठ बोल रही है, आप बताएं, मैं MBBS डॉक्टर एक लड़की हो के झूठ बोल रही हूं? अपनी दवाइयां ले जा यहां से, आगे तू बता आंटी। एक तो आप मेरी बात नहीं सुनी, आप मेरे साथ क्लिनिक में चले, CCTV फुटेज जाओ यहाँ से। अब जब मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपके क्लिनिक में, आप मुझसे इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे, आप पे तो पुलिस केस बनना है। एक तो गलत आइडेंटिटी, ऊपर से लड़का भी कोई और था, शादी आपकी हुई नहीं हुई है, मुझे क्या पता। आप मेरे साथ चलें, इस तरह से आप बिहेव नहीं कर सकते। क्या झूठ बोल रही है वो? तुम क्यों करवाया? मैं नहीं गई हूँ। तेरे प्यो ने ना मेरी जिंदगी खराब कर देनी है। जब कह रही हूँ कि मैं गई नहीं हूँ, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? ये बच्चा फिर कहाँ से आया? अगर आप मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मैं आपको कैसे बोलूँ? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं गई हूँ इनके पास, मैं इनको कैसे बोलूँ? आंटी आप बताएं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं सच बोल रही हूँ, आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा। जब मैं एक साथ अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोली, ऊपर से एक डॉक्टर को भी झूठा ठहरा रही है, शर्म नहीं आ रही। मैं उनके पास नहीं गई हूँ, तू डॉक्टर मार के नहीं गई, लेकिन मैं गई नहीं उनके पास, तुम्हें फिर कैसे बोल दूँ? मैं शर्म क्यों नहीं आई? कह रही हूँ कि मैं गई नहीं हूँ, तो फिर आप उनसे पूछे उनके पास। आंटी मेरी बात सुने, आप मेरी बात चल भी अपना काम कर जाके। आंटी तेरे प्यो को ना मैं तेरे उठाऊंगी, तेरे बाबा मैं कह रही हूं। आंटी मेरी फीस है, मैं ऐसे कहां आ गई? यहां से कोई फीस नहीं है, कहां से आ गई हो आंटी? मैं झूठ मैंने ना तुम्हें कह दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। खानदान वाले पता कितने गंदे हैं ये बोलने। आंटी आपको पता है ये पुलिस केस है? तेरा पुलिस केस मैं निकालती हूं। आंटी आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं आपको तू मत देख मम्मा, मेरा कुछ भी नहीं किया, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, और क्यों सुनने वाली कह रही है? कह रही कुछ सुना, मैंने कुछ किया ही नहीं है आंटी। मैं कह रही हूं बार-बार आंटी, बस रह गया। तुम जा भी क्या कर रही हो? तुम जा की सुना, तू हर की सुनाना मेनू ऐसे आप ही कर लांगे। तू जा भी आंटी मेरी बात, सादा मसला आप ही। अच्छा आंटी मैं आंटी मेरी बात तो सही है, तुम आंटी 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 मेरी बात सुने, क्यों उसको मारी जा रही है? आप मेरी बात नहीं सुन रही, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूं। क्या बात सुननी है? और मैं सुना वो वहां पे ना, वहां पर ना कैमरा लगा हुआ है, मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। ये वो सारी रिपोर्ट्स फेक थी। ये किस तरह का मजाक है भाई? आंटी वो ऐसे ही लोगों का ऐसे मजाक कोई करता है? आप आई एम सो सॉरी, वो मैं ऐसे लोगों कोई करता है? वो वीडियो बनाने के लिए मैंने किया। ये क्या मजाक हुआ? कोई भी फैमिली बैठी उनसे जाके आप कह देंगे ये सब कुछ? नहीं नहीं, मुझे लगा था कि आंटी यकीन करेंगे। आंटी यकीन क्या करें अपनी बेटी पे? यकीन है मुझे, तुमने बात ही ऐसे की। मजाक करिए आप, वो सारी रिपोर्ट्स गलत है, सब कुछ फेक था। रिपोर्ट का मैं क्या करूँ जब तुम कह रहे हो CCTV लगा हुआ है? आंटी मैं ऐसे ही करी थी, मजाक हुई थी। आई एम सो सॉरी आपको भी, ठीक है ना? अच्छा जो वीडियो बनाई है वो क्लिप यूज कर लें। वो किस तरह होता है? अब वो वीडियो हम यूज कर ले, बस जो ऐसे मैंने बनाई है कैमरे में। तो वो उसका क्या करते हैं? YouTube पे लगाए ना, क्रेजी कॉमेडी भी आएगी, आप भी देखिएगा। हाँ, और आइंदा बेटी को नहीं माना, उसकी गर्दन बेचारी की लाल कर दिया आपने आंटी। वो अब बात ही ऐसी बताई थी, कोई माँ भी होती तो यही करना सीखे। तो जैसे कि मैंने क्या लोगों को तंग, मुझे तो बहुत मजा आई था, आपको भी मजा। अगर आपको आए, बस हम लोग आप लोग से एम करते हैं पूरे 50,000 लाइक। मेरे मजीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो कौन से कैमरा बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।